हाय एंड वेलकम टू दाई प्रीज स्टारो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है आई होप आप सब खुश हो हेल्दी हो अपना ख्याल रख रहे हो लेट्स सी स्टार्ट वट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज आने वाले 24 घंटे में एंड ऑल्सो ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है सो so जितना रेजनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना एंड जो रेजनेट ना करे उसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको सारा कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन yeah. बॉक्स में मिल जाएगा आप वहाँ से जाके देख सकते हैं लेट्स सी लेट्स स्टार्ट इस रीडिंग को आप जब भी देख रहे हो उस समय से लेके नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स ये आपको बिल्कुल रेजनेट करना चाहिए सो वी हैव अ मैन विद अ हार्ट अ विद अ वन विजाइटी डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस वाओ बॉटम डेक एनर्जी है द एंजल ऑफ लव इंटरेस्टिंग क्योंकि उसके नीचे था पेशेंस फॉर सम ऑफ यू दैट इज द मैसेज कि पेशेंस रखना है तभी ये सिचुएशन हील हो पाएगा ये एक दो दिन में हील नहीं होगा इसमें समय लगेगा नाउ फॉर अ लॉट ऑफ यू आई सी लाइक आप आप लोग जो कन्फ्यूजन में हो दैट इज दिल और दिमाग दिमाग कुछ कहता है दिल कुछ और पता नहीं क्या करना चाहिए फॉर सम ऑफ यू इट्स अ इट्स अ टाई डाउन आप कुछ चाहते हो बट मे बी कोई आपको उस चीज को पाने से रोकने की कोशिश कर रहा है या कर रही है इट कुड बी अ फैमिली बर इट कु ब्लॉकेज कोई ब्लॉकेज है दो तो आपके आप और आपके विश फुलफिलमेंट के बीच में इस वक्त एक ब्लॉकेज है नाउ आई ऑल्सो सी दैट ये ब्लॉकेज यू कैन हील दिचुएशन आप इस ब्लॉकेज को ओवरकम कर सकते हो लेकिन आपको पहले तो पेशेंस रखना है एंड उसके साथ साथ आपके पास एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए इस टाइम पे बहुत सारे लोग यू आर वेरी एंशस यू आर वेरी लाइक पैनिक क्या होगा क्या होगा कब होगा कैसे होगा पता नहीं एंड ऑल एंड दिस एंड बट आपको इतना ज़्यादा पैनिक नहीं होना एनजाइटी में नहीं जाना है यू आर मूविंग टूवर्ड्स क्लैरिटी स्टेबिलिटी एंड पीस इस वक्त आपको सुकून और शांति की जरूरत है पहले उस चीज को समझो दैट आपके पास शांति होगा सुकून होगा तभी आप सही डिसीजन ले पाओगे तभी आप सच को सच के तरह देख पाओगे एंड फॉल्स को फॉल्स के तरह लेकिन आपको उस माइंडसेट में एंटर करना होगा फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज़ समथिंग टू डू विद योर लव या मैरिज सिचुएशन फॉर सम ऑफ यू देर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन जो चल रहा है एंड कोई पर्सन आपको आप दोनों को दूर रख रहे हैं इट कुड बी डेफिनेटली अ थर्ड पार्टी देर इज अ सोल मेड कनेक्शन कुछ लोगों के लिए एंड वॉट स्पिरिट इज सेंग दैट दिस पर्सन इज मेड फॉर यू तो कोई थर्ड पार्टी भी है कोई भी है बीच में डोंट वारी अबाउट इट ये बस एक कार्मिक कनेक्शन है उन उस थर्ड पार्टी और मे बी आपके पर्सन या आपके बीच का दिस इज अ वेरी कार्मिक कनेक्शन बट ये पर्सन इज़ अ सोल मेड ये पर्सन आपके प्यार को समझेंगे अगर इस वक्त नहीं समझ रहे ये पर्सन अगर आपको इस वक्त गलत समझ रहे हैं तो ये आपकी वैल्यू को भी समझेंगे सच्चाई को समझेंगे दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम फॉरवर्ड वन डे बहुत जल्दी विदिन कुछ लोगों के लिए ये एक दो महीने की बात है कुछ लोगों के लिए आप लोग ऑलमोस्ट तीन चार साल से अलग हो किसी और चीज़ किसी और वजह से बट दिस पर्सन इज गोइंग टू कम बैक ओके दिस पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू कम बैक बिकॉज ये पर्सन को समझ आएगा दैट इन्होंने जो भी चूज किया था आपके आपके बिना um, किसी और को किसी और सिचुएशन को यह पर्सन रिग्रेट करेंगे उस चीज को चूज करना बट उस वक्त वो चॉइस इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि ये इस पर्सन का एक कारमा था जो उन्हें कंप्लीट करना था तो जिस वजह से उन्होंने किसी और को चूज़ किया था किसी और सिचुएशन को चूज किया था बट इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन हमेशा अंधे रह जाएंगे हमेशा कारमा में रह जाएंगे दिस पर्सन हैज़ कम आउट ऑफ इट ये पर्सन उस चीज से बाहर डेफिनेटली आएंगे आपको इस वक्त जो करना है यू हैव टू मूव टूवर्ड्स हीलिंग फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पर प्रोफेशनल हीलिंग की ज़रूरत है या फिर इट इट कुड भी लाइक आपको काइंड kind ऑफ of, आपका मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत डिटोरिएट कर रहा है मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना इक्वली इंपॉर्टेंट है एंड सम ऑफ़ यू आप उस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हो आप डिस्ट्रैक्शन में जाते हो काम कर लेंगे भूल जाएंगे ये नहीं सोचेंगे भूल जाएंगे किसी और से बात कर लेंगे भूल नो दैट्स नॉट हाउ इट हैपन्स यू हैव टू हील इट एंड लिटरली हील दैट सिचुएशन आप किसी और को इक्वली जगह नहीं दे पा रहे हो अपने लाइफ में आप किसी भी न्यू या किसी भी स्टेबल सिचुएशन में कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो लाइफ में आप किसी भी जगह किसी भी सिचुएशन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो इवन आप अपने ऊपर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो ये क्यों हो रहा है पता है बिकॉज यू आर नॉट हील्ड थैंक अफिल फॉर सम ऑफ यू अगर मैं करियर की बात करूँ सी यू वर मेड फॉर समथिंग बिग पर यू डोंट बिलीव दैट आपको आप एक ऐसे जगह पे हो लाइफ में करियर वाइज फाइनेंस वाइज जहाँ पे मे बी स्ट्रगल है जहाँ पे मे बी बहुत कुछ प्रॉब्लमेटिक है जहाँ पे मैं भी समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं बट मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि आपका जो डेस्टिनी है वो बहुत बड़ा है एंड आपको डेस्टिनी तक पहुँचने का जो आपका सफ़र है रास्ता है डिसीशन है वो आपको तय करना है वो आपको चलना है शॉर्टकट वहाँ पे नहीं होता तो यू हैव टू सी दैट आप इस एंजाइटी आप इस टेंशन या आप इस स्ट्रगल uh, में बैठे रहोगे एंड हमेशा अपनी ज़िंदगी को कोसते रहोगे कि मैं स्ट्रगल में हूँ मैं विक्टिम हूँ मेरे साथ गलत हुआ मैं ये हूँ वो हूँ या फाइट करोगे दो ही ऑप्शन है आपके पास अगर आपने फाइट किया यू विल अचीव स्टेबिलिटी फॉर अ लॉट ऑफ यू यू वर बोर्न टू बी फेमस यू वर बोर्न टू बी रिच एंड मैं ये बस ऐसे ही नहीं कह रही ऑफ़ ऑफकोर्स ठीक है बिकॉज आई आई डेफिनेटली फील हियर दैट बहुत से लोग आपका पर्पज बहुत बड़ा है आपको समझ नहीं आता आपका पर्पज मामूली नहीं है इट्स समथिंग जो आपको लाइफ में बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा जो इस वक्त आप नहीं सोच रहे हो इस वक्त आपको लग रहा है मेरा जो लाइफ का सिचुएशन है मेरा जो ज़िंदगी है क्या ही हो जाएगा क्या ही कर लूँगा क्या ही कर लूँगी मैं तो यहीं पे रह जा नो दैट इज़ वॉट नीड्स टू चेंज आपका माइंड सेट अगर आप बिलीव करोगे कि आप लिमिटेड हो तो आप लिमिटेड ही रह जाओगे इट्स हाउ यू बिलीव इट्स हाउ यू सी थिंग्स सो so, ये आपके ऊपर है कि आप चेंज करोगे या आप लिमिटेशन में जिंदगी भर बिता दोगे डिसीशन इज योर्स डेस्टिनी आपका ये नहीं है जहाँ पे आप हो इतना मैं आपको कह सकती हूँ इट्स नॉट वॉट यू थिंक आपका डेस्टिनी स्ट्रगल नहीं है आपका डेस्टिनी इस सिचुएशन में नहीं है इट्स समवेयर एल्स एंड इट्स मच बिगर देन वॉट यू थिंक ओके सो दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना लाइक करना शेयर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करना अगर आप यहाँ पर नए हों एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी मैं आपसे फिर मिलूंगी एकॉर्डिंग के साथ टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय